ये दरवाजा कैसे खुला? हाँ, हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही है। फिर अब तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो, शायद गलती से खुल गया होगा, मैं बंद कर देती हूँ। अपना पति, सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। परी दिल की अच्छी है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है, तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। हम लोग पहले जैसे नहीं हो सकते नीति, प्लीज लीव अस अलोन। मेरी होने वाली बीवी है ये, इसके बारे में अगर कुछ भी कहना था छोड़ूंगा नहीं। इस घर में चाहे परी हो या ताई जी, दोनों ने ही मुझसे मेरा चैन और सुकून छीन लिया। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं दोनों को, क्योंकि किसी को हक नहीं है मेरी जिंदगी के साथ खेलने का। हाँ, संजू की गलती माफ है, क्योंकि उससे मैं प्यार करती हूँ। परी का ख्याल है मुझे, और उसका ख्याल मैं ही रखूंगी, पर पहले उसे संजू को छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। इस बार किसी की जान लेने की कोशिश भी नहीं करूंगी, लेकिन जो प्लान मेरे दिमाग में चल रहा है उसे अप्लाई करने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द मेरा सब कुछ फिर से मेरा होगा। नीति, एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। आप बस सगाई पर टाइम से पहुंच जाना, आपका थैंक यू एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। मैंने बोला है ना, अपने पतिदेव को थोड़ा समझा दे, इनको समझा कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब तो नजरें हटा ले अपने साली से। सुना नहीं तुम्हारे साली ने क्या कहा? उससे नजरें हटा लो अब। चल अब मैं चलती हूँ, अब तो अच्छे से लड़ाई कर अपने पति परमेश्वर से। राशिद में अभी है। क्या हुआ? कभी कभी नीति की बातों से ऐसा लगता है कि उसे सब याद है, वो सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही है, खेल खेल रही है हमारे साथ। वो राशिद, ऐसा कुछ नहीं है, नीति की तो आदत ही है कुछ भी बोल देने की, तुम ज्यादा सोच रहे हो। नहीं परी, जिस तरीके से उसने मुझे अभी टच किया ना, वो नॉर्मल टच नहीं था। राशिद, वो बीवी थी तुम्हारी कुछ टाइम पहले तक, तो उसका टच तो तुम्हें अलग ही फील होगा ना, बाकी उसे कुछ भी याद नहीं है। सच्ची
आपके चेहरे पे ये खुशी अच्छी नहीं लगती। आपकी वजह से आज मेरी मम्मी हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ी है। आपकी वजह से मेरा संजू मुझसे दूर चला गया और आप मुस्कुरा रही हैं। नहीं ताई जी, आपकी ये हंसी, ये खुशी मेरे दिल पे तीर की तरह चुभ रही है। तेरे लिए पुत्र। मेरे लिए? मैं जानती हूँ पुत्र, तू और परी तेरी सगाई की ड्रेस लेने गए थे, फिर वो राकेश वाला कांड हो गया और तुम लोग वहां से भाग आए और ड्रेस वहीं दुकान पे छोड़ गया, इसलिए अब तू ये पहनेगी। इसे मेरी तरफ से तेरी सगाई की गिफ्ट समझ ले। आंटी जी, इतना तो कोई माँ भी अपने बच्चे के लिए नहीं करता जितना आप मेरे लिए कर रहे हो। थैंक यू सो मच। तू भी तो हमारी बेटी जैसी है, और वैसे भी तेरी माँ अस्पताल में है, तो तेरा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? पुत्र मैंने माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा, तुझ पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे। आंटी जी, मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ, प्लीज आप भी भूल जाओ, जो हुआ वो हो गया, बस आप मिट्टी पाओ उस पे। चलो हम नई शुरुआत करते हैं, एक नए रिश्ते की। थैंक यू पुत्र। रख ले, मैं चलती हूं। ताई जी को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, सबसे ज्यादा स्मार्ट। माफी मांग रही है मुझसे, लेकिन अब आपकी माफी का क्या फायदा ताई जी? आपने सब कुछ बर्बाद जो कर दिया है मेरा। आपके माफी मांगने से मेरा संजू मुझे वापस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मिसेस मेहरा, रेडी नहीं होना एंगेजमेंट के लिए? क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? हाँ सोचो, दो चार दिन और सोच लो, उसके बाद नीति आ जाएगी और तुम्हारे सर पे जो भी टेंशन है ना वो अपने सर ले लेगी। आपको पता है हमारा शैली नीति के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहता है। पर तुम नीति के खिलाफ सोच क्यों रही हो? क्या बोला तुमने उसको? भूल गए आप? हमारे पार्टी के दिन नीति ने कितना बड़ा तमाशा क्रिएट किया था, सारी की सारी पार्टी बर्बाद करके रख दी थी इस लड़की ने। अरे याद है मुझे, बट वो पहले की बात है, नीति अब सब कुछ भूल चुकी है। भूल चुकी है? भूली हुई बात वापस याद नहीं आ सकती क्या? और अगर कल को नीति को सारी बातें याद आ गई तो आपको पता है ना उसका कितना खराब एटीट्यूड है, और ये सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा है। चाचू, हम यहाँ से कितनी देर में निकल रहे हैं? शैली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? मिसेस मेरा जाने दो ना, अरे पहले की बात करके क्या फायदा? इम्पोर्टेंट बात है इसलिए करनी है। लेकिन हुआ क्या? ये भी कोई ड्रेस है? एकदम वाहियात। अरे वाह नीति, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। आप दोनों क्या कर रहे हो, ये क्या? तेरे लिए कंगन और ज्वेलरीज लेकर आए। चल अब इसमें से जल्दी से ले, कुछ सेलेक्ट कर ले। हाँ। और तैयार हो जा, मुहूर्त का टाइम हो रहा है और शैली और उसकी फैमिली भी आने वाले होंगे, और शैली तो इतना एक्साइटेड है कहीं मुहूर्त से पहले ही ना आ जाए। नीति, तू ना सच में बहुत लकी है जो तुझे शैली जैसा लड़का मिला। लकी तो मैं हूँ परी, तभी तो अपने संजू को वापस से हासिल करने जा रही हूँ। परी ना बिल्कुल सही कह रही है, वरना आजकल शैली जैसे दीवाने लड़के मिलते ही कहाँ हैं? संजू भी तो दीवाना ही था मेरा, तभी तो परी से शादी करने के बावजूद मुझसे शादी की। उसने तो मेरे प्यार में अपने बाकी सारे रिश्तों को दाव पे लगा दिया था, लेकिन कहते हैं ना वक्त एक सा नहीं रहता, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बार फिर परी से शादी होने के बावजूद मेरा संजू अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा के फिर से मुझसे शादी करेगा,
और कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा, कोई बीच में नहीं आ पाएगा इस बार।